related to factorial operations. If you want to displaying or calculating factorial of given number, then you should follow this logic. First one, इनिशियली में सबसे पहले फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक लॉजिक्स डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट राइट डाउन करेंगे सोर्स कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. सपोज दैट नंबर इज 5 के केस में इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 120. मीन्स 5 का फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. सेम इज व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 4. 4 के केस में राइट डाउन क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. देन अगेन फैक्टोरियल इज 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. नेक्स्ट व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 3. 3 के केस में क्या राइट डाउन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. देन फैक्टोरियल इज सिंपली 6. देन व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 2. फैक्टोरियल ऑफ 2 इज सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज आल्सो 2. व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 1. फैक्टोरियल ऑपरेशन ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल, पॉजिटिव एंड 0. 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1. वन मोर थिंग स्पेशली, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 0. 0 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल, लेकिन 0 का फैक्टोरियल क्या रहेगा, ऑलवेज 1. फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल थ्योरी. अकॉर्डिंग सिंपली का 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, देन राइट डाउन क्या करेंगे, कैलकुलेट द सीरीज 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू समथिंग वट एवर मीन्स 720. लाइक दैट. इस टाइप से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल हुआ. इस केस में ऑब्जर्व करें मीन्स नंबर मीन्स एनी नंबर के केस में. फाइनली इस केस में जो सीरीज इटरेट हो रहा है, सीरीज किस टाइप से मैनेज हो रहा है, फ्रॉम एन टू वन. एन टू वन के केस में सिंपली फोर लूप्स के केस में फॉलो क्या करेंगे, समथिंग आई इक्वल्स टू एन कब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. एवरी टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज ग्रो कर रहा है, प्लस एवरी टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का. यूज क्या करेंगे, आई माइनस माइनस. वन मोर थिंग इस केस में, सपोज दैट इस टाइप का लॉजिक ऑलरेडी डिस्कस किया था, सम ऑफ सीरीज. बस उस केस में सीरीज का सम किस टाइप से डिस्प्ले करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस समथिंग. लेकिन इस केस में क्या है, मीन सीरीज जस्ट एन, मीन्स प्रीवियस केस में सीरीज कहाँ से कहाँ तक था, 1 टू एन, बट इन दैट केस एन टू वन, एन प्लस एन माइनस वन प्लस लाइक दैट. लेकिन इसके साथ प्लस के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस लाइक दैट. व्हाट इज द केस, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली रिक्वायर्ड क्या होगा, मीन्स जब भी इनका सम डिस्प्ले होगा मीन्स कैलकुलेशंस होगा, कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम वेरिएबल एज रिजल्ट प्लस नंबर्स को एंटर करने, मीन्स नंबर मे बी 6 मे बी 5 मे बी 4 मे बी 3, इस नंबर को रीड करने के लिए वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, समथिंग वेरिएबल नंबर. वॉइड मैन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, मीन्स ऑपरेशंस ओनली इंटीजर नंबर्स के लिए अप्लीकेबल हो, इसलिए वेरिएबल का टाइप भी यूज करो मैं एज अ इंटीजर नंबर कॉमा रिजल्ट. इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज समथिंग 1, बिकॉज अगर नंबर 0 है तो नंबर 0 या 1 के केस में डिफॉल्ट फैक्टोरियल क्या रहेगा, ऑलवेज 1, इसलिए वी आर इनिशियलाइजिंग दिस वैल्यू बाय 1 एवरी टाइम. इस केस में जो भी सीरीज है, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 6 इज रिमेन्स सेम, 1 मल्टीप्लाई 5 रिमेन्स सेम, 1 मल्टीप्लाई 4 रिमेन्स सेम, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रिमेन्स सेम. तो इस केस में जब भी सीरीज मैनेज करेंगे तो सीरीज के केस में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, मैनेजिंग लूप. इस केस में लूप कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना है, फ्रॉम एन टू वन, एन टू वन एवरी टाइम. सिंपली इस प्रॉब्लम को व्हाइल लूप से भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, फोर लूप से भी डिजाइन करना पॉसिबल है. अब फोर लूप से डिजाइन करें तो सिंपली राइट क्या करेंगे, राइट डाउन एक्स्ट्रा वेरिएबल आई. अदरवाइज केस में, आई के केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, सिंपली यूज क्या करेंगे, व्हाइल इन फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, पोर्ट्स एंटर नंबर, पोर्ट्स एंटर नंबर,
एक्स्ट्रा वैल्यू यूज कर रहे हैं एज अ आई. नेक्स्ट वन स्कैन एप परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर. नेक्स्ट वन देन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एवरी टाइम सपोज दैट अगर नंबर का वैल्यू 4 है देन स्टार्टिंग कहाँ से कराना है 4 से. इस केस में ऐसा कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से कराना है इनिशियलाइजेशन फ्रॉम एन टू वन मीन्स आई इक्वल्स टू एन प्लस कब तक चलाना है इस केस में जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा है और 1 के इक्वलेंट है मीन्स वेन एवर आई बिकम्स 0 और निगेटिव देन कंडीशन इज फॉल्स. देन सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है इसलिए यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस सिंपली आई प्लस प्लस सॉरी आई माइनस माइनस. देन एवरी टाइम जो भी नंबर जनरेट हुआ इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन हिस्टोग्राम सेपरेट वैल्यू कॉल्ड रिजल्ट मीन्स ये ऑपरेशन सिमिलर किसके है डिस्प्ले सम ऑफ सीरीज ऑफ बिगिन और सम नेचुरल नंबर्स लेकिन इसके साथ सम के प्लेस पर क्या प्रोडक्ट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ आई. एंड फाइनली फैक्टोरियल जनरेट होने के जस्ट पास लूप के बाद डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंट डी इसके इसमें डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट लाइक दैट. देन इस प्रोग्राम को मैं इटरेट करके बता रहा हूँ ओनली फॉर विद रिस्पेक्ट टू नंबर इज फोर समथिंग ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज. सपोज दैट जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मीन सोर्स कोड इसका कंप्लीट हो चुका है सोर्स कोड राइट डाउन करने के बाद इसको टेस्ट करना तो टेस्ट करने के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैन आफ्टर दैट इंटीजर फाइव वी आर टेकिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज वन बिकॉज अगर रिजल्ट का वैल्यू जीरो यूज करो देन एवरी टाइम इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा जीरो देयरफॉर वी आर टेकिंग एज वन. अगर कंडीशन फॉल्स है नंबर का वैल्यू जीरो एंटर किया है देन जीरो के केस में आई का वैल्यू भी क्या होगा जीरो देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगा डिस्प्ले का होगा रिजल्ट और रिजल्ट का ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू क्या है वन जीरो के केसेस में भी रिजल्ट का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा ऑल्सो वन लाइक दैट. फाइनली जैसे सेकेंड स्टेटमेंट मीन कंट्रोल जब मेन के अंदर एंटर हुआ इसके से मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म रहा थ्री लोकल वेरिएबल्स आर नंबर रिजल्ट और I. We are declaring memory space for variable number. Next one, variable result. And variable I. We are taking another variable as I. Like that. Then initial value of result is 1. Result is initialized by 1. Next one. आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इस केस में जैसे ही पोर्ट्स फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ पोर्ट्स के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा एंटर नंबर सपोज दैट वी आर एंटरिंग नंबर एज 4 यूजिंग स्कैन एप फोर्थ केस में स्कैन एप के थ्रू जब नंबर वैल्यू रीड होगा 4 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर इनिशियल वैल्यू क्या था 4 का नंबर का 0 गार्बेज बट इन दैट केस आफ्टर स्कैन ए फंक्शन वैल्यू बिकम्स 4. नेक्स्ट वन फिफ्थ केस में टोटल 3 सेशन है इसके अंदर फिफ्थ केस में क्या क्या है मीन्स देयर आर 3 सेशंस इन केस ऑफ फिफ्थ मीन्स फिफ्थ इनिशियलाइजेशन फिफ्थ कंडीशंस मीन्स 5A. इस केस में मैं इनिशियलाइजेशन सेशन को मार्क कर रहा हूँ ए कंडीशन एस बी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन एस सी 5A 5B and 5C लाइक दैट. चेक करें किस केस में किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोड प्रोसेस हो तो सबसे पहले चांस किसको मिलेगा मीन्स फोर्थ का फिफ्थ केस क्या है ए फिफ्थ का ए मीन दिस वन इज फर्स्ट टाइम इटेशन कौन सा हो रहा है फिफ्थ के केस में क्या है 5A के अकॉर्डिंग चांस क्या है इस केस में आई इज इनिशियलाइज्ड बाय 1 और सिंपली वी आर राइटिंग यू आर कंफ्यूजिंग दिस रिमूव इट सिंपली
फोर के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है फाइव, फिफ्थ केस में आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है एन से, एन का वैल्यू ऑलरेडी फोर है तो आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा ऑल्सो फोर। नेक्स्ट टाइम सिक्स केस में परफॉर्म क्या हुआ कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन इज आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो आई के प्लेस पर जब आई का करंट वैल्यू पुट करेंगे फोर, फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने केस में चांस किस को मिलेगा सेवन्थ केस में बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के अकॉर्डिंग रिजल्ट का करंट वैल्यू पुट करेंगे वन, देन आई का वैल्यू क्या है फोर। मीन फर्स्ट टाइम जब एक सीरीज कैलकुलेट होगा तो फर्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ रियल ऑपरेशन क्या है लाइक वन मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, रिजल्ट इज समथिंग ट्वेंटी। इनिशियली सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है इस केस में वन और फोर का, क्यों वन किस में स्टोर है रिजल्ट में, फोर किस में स्टोर है आई में, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा फोर असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, ना वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स फोर। अभी करंटली ये मल्टीप्लीकेशन किसका हो चुका है दैट वन, इसका नेक्स्ट टाइम जो भी प्रीवियस रिजल्ट आया इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होना चाहिए फोर एंड थ्री से। अगेन कंडीशन टेस्ट बॉडी एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद एट्थ केस में चांस किसको मिलेगा आई माइनस माइनस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स थ्री। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू क्योंकि आई का वैल्यू क्या है थ्री, कंडीशन ट्रू होने मीन्स एट्थ, कंडीशन क्या था नाइन्थ केस, देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन इज टेंथ केस, अगेन परफॉर्म कराएंगे सेम रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू क्या है फोर एंड आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है मेमोरी में थ्री, इस मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है फोर एंड थ्री, रिजल्ट इज ट्वेल्व। ट्वेल्व किस में साइन हो जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में, नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स ट्वेल्व। रिजल्ट का वैल्यू ट्वेल्व होने के बाद मीन्स बॉडी एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद इलेवंथ केस अगेन आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, आई बिकम्स टू आफ्टर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट आई का वैल्यू टू होने के जस्ट बाद देन अगेन कंट्रोल कॉन्सेंट करेंगे कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में आई के प्लेस पर पुट डाउन करेंगे करंट वैल्यू ऑफ आई विच इज टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इस केस में बिगिनिंग थ्री नंबर्स मीन्स फोर और थ्री का मल्टीप्लीकेशन क्या है ट्वेल्व, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लीकेशन किससे होना चाहिए टू से, चेक करते हैं प्रीवियस मीन्स प्रीवियस लेफ्ट हैंड पार्ट का मल्टीप्लीकेशन और रिजल्ट ऑलवेज किस में मैंने उधरा सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीक्वेंस क्या फाइनली कंडीशन टेस्टिंग टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज टू, अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन इज थर्टीन, बॉडी एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट विच इज ट्वेल्व, आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ आई विच इज टू, मल्टीप्लीकेशन इज ट्वेंटी फोर असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट अगेन, तो रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसके बाद ट्वेंटी फोर। नेक्स्ट वन फोर्टीन सिक्वेंस आई माइनस माइनस आई बिकम्स वन, अगेन कंडीशन टेस्टिंग वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे अगेन मीन्स फोर्टीन, कंडीशन का सीक्वेंस क्या था फिफ्टीन, अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट टाइम जो प्रीवियस रिजल्ट है ट्वेंटी फोर इसका मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ वन से, तो नेक्स्ट टाइम इसलिए रिजल्ट का वैल्यू क्या है इस केस में ऑलरेडी ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई आई, आई इज वन, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्वेंटी फोर असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट। नेक्स्ट वन आई माइनस माइनस आप चाहो तो इस लूप में मीन्स इससे अगर वो इक्वल्स टू भी हटा दो तब भी रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा, मीन्स इक्वल्स टू भी नीड नहीं, मीन्स वन तक चलाने नीड नहीं ओनली अप टू टू, क्योंकि किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा सेम नंबर्स, देयर इज नो नीड ऑफ इक्वल। नेक्स्ट वन फाइनली इस केस में इक्वल के अकॉर्डिंग इटरेट करो इसके अकॉर्डिंग, नेक्स्ट वन आई का वैल्यू क्या होगा इसके थर्टीन के बाद फोर्टीन आई माइनस माइनस सॉरी 15 देन 16 कंडीशन बॉडी एग्जीक्यूशन 16 का 17 क्या है आई माइनस माइनस आई बिकम्स जीरो, देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग 18th केस कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई का वैल्यू क्या जीरो, जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, दिस वन इज अ 19th केस, 18 का नेक्स्ट केस क्या 19, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट और रिजल्ट का वैल्यू करेंटली क्या स्टोर है 24, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 24, इसलिए मैसेज में क्या प्रिंट होगा ऑल्सो 24।